आप सभी का ESPS क्लासेस में एक बार फिर से स्वागत है। चूँकि कुछ नेटवर्क इशू की वजह से आपकी लाइव क्लासेस नहीं मिल पाई, जिसको अपलोड किया जा रहा है, तो आप सब कृपया इसको देखिएगा। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके सूचित करिए, तो नेक्स्ट डे में जो लाइव क्लास होगा उसमें आपको 8 बजे बता दिया जाएगा। तो चलिए हम शुरुआत कर रहे हैं। हम सब पिछले क्लास में हमने पढ़ा डीसी स्टार्टर, और डीसी स्टार्टर हमने जाना 3 प्रकार का है, 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर, 4 पॉइंट डीसी स्टार्टर और 2 पॉइंट डीसी स्टार्टर। अगर सीक्वेंस में चलें तो 2 पॉइंट डीसी स्टार्टर और 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर और 4 पॉइंट डीसी स्टार्टर। तो हमने पिछले लेक्चर में केवल ये जाना कि 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर होता क्या है। जैसा कि आपको पिछला लेक्चर जो देखा होगा तो उसको क्लियर होगा, अगर नहीं देखे हो, पहली बार देख रहे हो, तो यहाँ देख लीजिए बोर्ड पे वही पिछला लेक्चर का, हमने 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर यहाँ बना के रखा है। हमने देखा था कि भाई स्टार्टर प्रारंभ में धारा ज़्यादा ले रही थी, ये आर्मेचर है जिसको आर्मेचर दिखा रहे हैं, प्रारंभ में धारा ज़्यादा ले रही थी जिसके कारण उसको धारा को कंट्रोल करने के लिए उसके सीरीज में आर्मेचर को वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं। जैसा कि यहाँ दिया जा रहा है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसे जो मैग्नीन मटेरियल का बना होता है जो आर्मेचर के सीरीज में जुड़ा होता है। फिर उसके बाद हमको फील्ड को सप्लाई देना है। तो भाई 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर में केवल 3 पॉइंट हैं, एक लाइन टर्मिनल है, एक फील्ड टर्मिनल है, एक आर्मेचर टर्मिनल है, यहाँ दिख लिए। और उसके बाद दिखाया गया कि यहाँ अगर वोल्टेज घट जाए या सप्लाई चली जाए, लो वोल्टेज हो जाए, तो अपने यहाँ पे हत्था जो यहाँ जुड़ा रहेगा वो वापस चला जाए, उसके लिए 9 वोल्ट क्वाइल बनाए हैं। और 9 वोल्ट क्वाइल बनाया गया कि नर्म लोहे का एक कोर रहता है, उस पर हम पतले तार मतलब हाई रेजिस्टेंस का तार लपेट के यहाँ रखते हैं, टर्नों की संख्या ज़्यादा रखते हैं। इसका काम ये होता है कि लो वोल्टेज और सप्लाई जलने जाने पर हैंडल को क्या करें, छोड़ के अपने पूर्व अवस्था में ला दें। फिर उसके बाद हमने देखा था ओवरलोड क्वाइल है, और इसको नाम हमने जो दिया, इसको हमने नाम दिया ट्रिप प्लंजर नाम दिया। और यहाँ पे एक कॉन्टेक्ट था, ये ओवरलोड की अवस्था में काम करता था, एक तार यहीं ले जा के जोड़ दिए थे, और एक तार हमने क्या किया था, यहाँ से ऐसे सीधे ले जा के आप यहाँ जोड़ दीजिए, यही ऐसे जोड़ा गया था वायर को। तो यहाँ पे क्या होता है, ओवरलोड की अवस्था में क्वाइल काम करता है, इसे OLC नाम दिया। और प्लस ओवरलोड या ओवरलोड हम रिलीज क्वाइल भी कहेंगे, क्या कहेंगे, ओवरलोड रिलीज क्वाइल भी कहेंगे, चाहे ओवरलोड क्वाइल कहो चाहे ओवरलोड रिलीज क्वाइल कहो, दोनों का मतलब एक ही होगा। तो चलिए ये कैसे काम करता है, ये क्वाइल जान लो, लो रेजिस्टेंस का होता है, कम टर्न, मोटे तार का और कम टर्न का बना जाता है। जब मोटर ज़्यादा करंट लेती है अर्थात ओवरलोड होती है, तो तुरंत इसको क्या करता है, प्लंजर को खींच लेता है, और प्लंजर जैसे खींचेगा तो इसका कांटेक्ट यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। तो कांटेक्ट कंप्लीट होने पर इसका मतलब ये सर्किट NBC वाली सर्किट शार्ट हो जाएगा, उसमें करंट नहीं जाएगा, तो डीमैग्नेटाइज होकर हैंडल को क्या करता है, छोड़ देता है। तो ये हमने पिछले वीडियो में जाना। और एक चीज़ और जाना, हमने कहा कि भाई जब पहले स्टड पर ये हत्था पहुंचता है, पहले स्टड जब हत्था पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे हम आपको दिखा दे रहे हैं यहाँ से मिटा के इसको, जब ये हत्था क्या हो जाएगा, पहले स्टड पे पहुंचेगा, यहाँ पे पहले स्टड पे पहुंचता है तो क्या होता है, पूरी करंट फील्ड में जाती है, पूरी करंट 9 वोल्ट क्वाइल से होते हुए फील्ड में चली जाती है। अब 9 वोल्ट क्वाइल भाई पूरी करंट एक साथ जाएगी तो ये क्वाइल जल सकती है, इसलिए इस क्वाइल को जलने से बचाने के लिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक वेरिएबल रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, वेरिएबल क्या करते हैं, रेजिस्टेंस जोड़ देते हैं, जिससे एक क्वाइल क्या हो जाएगी, NBC जल नहीं पाएगी। और फिर हैंडल को जैसे जैसे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे, मतलब 2 पे ले जाएंगे, रेजिस्टेंस घटेगा, और रेजिस्टेंस घटेगा तो आपको बताया गया है कि स्पीड मोटर की बढ़ेगी, पिछला वाला लेक्चर देख लीजिएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस घटने वोल्टेज बढ़ेगा, वोल्टेज बढ़ने पर स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जब स्पीड बढ़ जाएगी तो आपको पता है बैक ईएमएफ बढ़ेगा, बैक ईएमएफ बढ़ने पर मोटर करंट क्या लेती है, कम लेती है, तो और रेजिस्टेंस घटाएंगे तो और स्पीड बढ़ेगी, बैक ईएमएफ और बढ़ेगा, जब फुल स्पीड पर आ जाए, रेजिस्टेंस पूरा हटा देंगे तो मोटर फुल स्पीड पर आ जाएगी, और फुल स्पीड चलने पर बैक ईएमएफ पूरा आ जाएगा, मोटर में करंट कम जाएगी, और सफलतापूर्वक मोटर क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है जब हैंडल यहाँ पहुँच जाता है तो ये जो हैंडल का हत्था है, आयरन पार्ट, इसमें क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा, मतलब मैग्नेटाइज होगा या आकर्षित करके हैंडल को पकड़े रहेगा। अब जैसे ही क्या होगा कि मान लीजिए सप्लाई चली गई, जब सप्लाई चली जाएगी तो इसमें कोई करंट नहीं जाएगा क्वाइल में,
अब कॉइल में कोई करंट नहीं जाएगा तो कॉइल डीमैग्नेटाइज होकर हैंडल को छोड़ देगा, फिर हैंडल अपने पूर्व अवस्था में आ जाएगा, आप पोजीशन पे। फिर उसके बाद या मान लीजिए सप्लाई नहीं गई, कभी कभी आप गाँव में देखे होंगे या इंडस्ट्री में देखे होंगे कि भाई मोटर जब लो वोल्टेज आता है, वोल्टेज कम आ जाता है तो मोटर गुर्राने लगती है, चलता नहीं है, अर्थात लो वोल्टेज भी बाइंडिंग जल सकती है, तो उसको भी सप्लाई बंद करना है। तो जब लो वोल्टेज आएगा तो एक करंट कम होगी, मतलब जिससे डीमैग्नेटाइज होकर फिर भी हैंडल को छोड़ देगा तो मोटर हमारी बाइंडिंग जलने से बच जाएगी। अब इसमें प्रॉब्लम यह है कि मान लीजिए मोटर बंद हो गई, अब प्रॉब्लम यह है मान लीजिए मोटर चल रही है, हम चाहते हैं कि मोटर की स्पीड कंट्रोल कर लें, क्या कर लें स्पीड के मतलब आवश्यकता अनुसार घटा और बढ़ा लें। तो स्पीड कंट्रोल करने की सबसे अच्छी जो मेथड होती है फील्ड कंट्रोल मेथड होती है। तो फील्ड कंट्रोल मेथड के द्वारा अगर हम स्पीड घटाना बढ़ाना चाहें, अभी आगे हम पढ़ेंगे अगले चैप्टर में कि स्पीड कंट्रोल कैसे की जाती है, तो यहाँ पे जैसे रेजिस्टेंस को हम क्या करेंगे बढ़ाएंगे तो तुरंत यहाँ क्या हो जाएगा इसमें करंट कम आएगा, रेजिस्टेंस हल्की बढ़ने पर इसमें करंट 9 वोल्ट कॉइल में कम हो जाएगी। अब जब कम हो जाएगी तो डीमैग्नेटाइज होकर हैंडल को क्या करेगा छोड़ देगा, अब मोटर क्या हो जाएगी जब हैंडल को छोड़ देगा सप्लाई कट जाएगी और मोटर बंद हो जाएगा, जिससे मोटर नहीं चल पाएगा। तो यही मेन इसका रीजन है कि अर्थात थ्री पॉइंट स्टार्टर के द्वारा डिसएडवांटेज कह लीजिए कि हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। अब उसका भरपाई कौन करेगा, फोर पॉइंट स्टार्टर करेगा। तो फोर पॉइंट से हम स्पीड भी कंट्रोल कर लेंगे और प्लस प्रोटेक्शन भी प्रदान कर लेंगे, सप्लाई हो या ना हो नो वोल्ट कॉइल काम करेगा। और जब ओवरलोड होता है मोटर तो भाई ये ओएलसी उत्तेजित होकर सर्किट को ट्रिप कर देगा और सप्लाई मेन क्या हो जाएगी कट जाएगी। ये तब हमने पढ़ा था, अब हमको पढ़ना है फोर पॉइंट डीसी स्टार्टर। तो चलिए फोर पॉइंट डीसी स्टार्टर कैसे होता है, सेम कंस्ट्रक्शन वही रहेगा, इसमें कोई अंतर नहीं है, बस थोड़ा सा हम बदलाव करेंगे। क्या करेंगे, थोड़ा सा बदलाव करेंगे। और क्या बदलाव करेंगे, ये तो दिखा दिया थ्री पॉइंट स्टार्टर जैसे था सेम वही है, उसमें कोई अंतर नहीं है। हैंडल अपने पोजीशन पे दिखा दो, चलो हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं हैंडल है, और हैंडल में बताया गया एक आयरन का पार्ट होता है जो आकर्षित होता है, तो यहाँ पे एक आयरन का हमने क्या दिखा दिया, एक पार्ट दिखा दिया, यही जाकर वो आकर्षित होकर हैंडल को पकड़ के रखे रहेगा। और इसे हम कह रहे हैं नो वोल्ट कॉइल है। अब क्या करना है, हमको बनाना है फोर पॉइंट स्टार्टर। तो फोर पॉइंट स्टार्टर में आपको बता दिया जाए कि चार टर्मिनल होते हैं, तो चार टर्मिनल के लिए हम यहाँ पे एक टर्मिनल और ले लेंगे जिसे हम कहेंगे यन टर्मिनल, और यन टर्मिनल सीधे निगेटिव वाले तार से जुड़ा रहेगा। अब इसका क्या काम है आओ देख लेते हैं। अब हम यहाँ पे क्या काम करेंगे कि नो वोल्ट कॉइल हम जोड़ देंगे निगेटिव वाले टर्मिनल से, यन वाले टर्मिनल से, और बाकी जो फील्ड वाला टर्मिनल वो सीधे फील्ड से जोड़ जाते हैं। यहीं से तार को काट लीजिए, ठीक है, यहाँ से तार को काटिए और फिर उसके बाद एक कनेक्शन और यहाँ से इसको हटा दीजिए, और ए वाला जो फील्ड वाला टर्मिनल यहाँ से लाए आ रहे थे लेके आ रहे थे वो सीधे दे दीजिए फील्ड को। क्लियर बात है। अब उसके बाद क्या करना है कि भाई ये फील्ड वाले में कहाँ से तार सप्लाई आएगी, तो फील्ड वाले की जो सप्लाई देना है नो वोल्ट कॉइल को ये यहीं से ऐसे जोड़ दीजिए, यहाँ कनेक्शन कर दीजिए, हो गया। अब इसको ये जो दूसरा तार निगेटिव टर्मिनल कहाँ से कंप्लीट करेंगे, यहाँ से करेंगे। तो यही तार ले आके क्या करिए आप यहाँ पे ऐसे जोड़ दीजिए, बन गया हमारा फोर पॉइंट स्टार्टर। अब इसमें कोई समस्या हमको नहीं होगी। अब देखो बात एक समस्या और है कि मान लीजिए जब यहाँ जुड़ा रहेगा पहले स्टेट पे तो पूरी करंट जाएगी, नो वोल्ट कॉइल जल सकती है, तो उसको बचाने के लिए इसके सीरीज में हम क्या करेंगे एक रेजिस्टेंस लगा देंगे जिससे भाई इसकी कॉइल नो वोल्ट कॉइल जलने ना पाए। तो यही हमारा कंस्ट्रक्शन जो बन गया इसी को हम कह रहे हैं फोर पॉइंट स्टार्टर। फोर पॉइंट स्टार्टर इसलिए कह रहा है क्योंकि इसमें चार टर्मिनल है। अब इसमें फायदा क्या है, फायदा यही है जो थ्री पॉइंट में नुकसान हो रहा था। थ्री पॉइंट में क्या नुकसान हो रहा था कि स्पीड नहीं कंट्रोल कर पा रहे थे, जैसे हम फील्ड का रेजिस्टेंस बढ़ाते थे तो नो वोल्ट कॉइल में करंट कम हो जाती है। अब यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं, देख लो क्यों, क्योंकि भाई फील्ड वाला जो नो वोल्ट कॉइल हो सीधे जुड़ गया यन टर्मिनल से, तो उसका रेजिस्टेंस हम बदल नहीं रहे। अब बदलना किसका है, फील्ड का। तो जैसे फील्ड रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो भाई फील्ड में करंट क्या होगी कम आएगी, और फील्ड में करंट कम आएगी तो फ्लक्स कम होगा, और फ्लक्स कम होगा तो स्पीड बढ़ जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि जो EMF होता है EB समान बाइक EMF होता है फाई यन के समानुपाती होता है, तो यन अगर यहाँ निकाले तो क्या हो जाएगा EB अपान फाई होगा। आगे हम स्पीड कंट्रोल पढ़ेंगे, तो फाई मतलब समानुपाती है फील्ड करंट के, तो फील्ड करंट जब घटेगा तो फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स घटेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी। तो हम फील्ड कंट्रोल करके स्पीड को क्या कर सकते हैं घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अभी आगे पढ़ेंगे फील्ड कंट्रोल मेथड के, और नॉर्मल स्पीड के ऊपर की स्पीड कंट्रोल करती है वो आगे की बात है, वो आगे हम जानेंगे। तो अर्थात फोर पॉइंट स्टार्टर किसका संशोधित रूप है,
थ्री पॉइंट स्टार्टर का ही संशोधित रूप है, बस उसमें तीन पॉइंट थे, इसमें क्या थे, फोर पॉइंट थे। दोनों मेन अंतर क्या है, इसमें यन निगेटिव टर्मिनल यन लगाने से हम स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं। स्पीड कंट्रोल करेंगे तो अर्थात सबसे अच्छा जो हमारा स्टार्टर है वह है फोर पॉइंट डीसी स्टार्टर। क्या है भाई, फोर पॉइंट डीसी स्टार्टर। और फोर पॉइंट डीसी स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन सेम किसकी तरह है, थ्री पॉइंट की तरह है। अब बात ये आती है कि भाई एग्जाम में हम कैसे लिखेंगे, तो भाई जैसे जैसे सप्लाई दे रहा है वैसे वैसे एग्जाम में लिखे हुए, तो हम यहाँ पे एक का बता दे रहा हूँ, वैसे थ्री पॉइंट का भी होगा, वैसे तो बताया था थ्री पॉइंट का पिछले वाले लेक्चर में, तो इसका भी जान लो। तो आप कहोगे जैसा कि चित्र में फोर पॉइंट डीसी स्टार्टर प्रदर्शित है जिसके चार टर्मिनल हैं। कितने टर्मिनल हैं, चार टर्मिनल, एक लाइन टर्मिनल एल और एक एन टर्मिनल, एक फील्ड टर्मिनल और एक आर्मेचर टर्मिनल है। लाइन टर्मिनल से हम पाई टू टर्मिनल जोड़ देंगे, लाइन को जोड़ते हैं, ए टर्मिनल से आर्मेचर टर्मिनल जुड़ा है, फील्ड टर्मिनल से फील्ड बाइंडिंग जुड़ी होगी और यन टर्मिनल सीधे निगेटिव वाले तार से जुड़ा है, ये बता दोगे। फिर अब इतना बताने के बाद आप बता दोगे कि यहाँ नो वोल्ट या नो वोल्ट मतलब सप्लाई चली गई या लो वोल्टेज प्रोटेक्शन के लिए एनबीसी लगाए हैं और शॉर्ट सर्किट के लिए ओवरलोड के लिए हम ओवरलोड कॉइल प्रोटेक्शन के लगाए हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, हैंडल को हम कहाँ ले जाएंगे, हैंडल को जब ले जाएंगे पहले स्टड पर, तो पहले स्टड पर ले जाएंगे तो अधिक रेजिस्टेंस जुड़ने के कारण आर्मेचर में करंट कम जाएगी और मोटर स्टार्ट हो जाएगी, चलना शुरू कर देगी। और जैसे चलना शुरू करेगी तो हम रेजिस्टेंस को घटाएंगे, तो हैंडल को पहले स्टड से दूसरे स्टड पर ले जाएंगे तो रेजिस्टेंस घटेगा, रेजिस्टेंस घटेगा तो मोटर की स्पीड बढ़ेगी, और जब स्पीड बढ़ेगी तो बाइक में बढ़ेगा और करंट मोटर कम लेगी। ऐसे धीरे धीरे हम पूरा रेजिस्टेंस हटा देते हैं तो मोटर फुल स्पीड पर आ जाती है और पूर्ण रूप से बाइक में जनरेट हो जाता है, जिससे आर्मेचर में करंट कम जाती है और मोटर सफलतापूर्वक स्टार्ट हो जाती है। इतना आप लिख देंगे, फिर बता देंगे अगर सप्लाई चली गई या लो वोल्टेज है तो एनबीसी डीमैग्नेटाइज होकर हैंडल को छोड़ देगा, वो अपने पूर्व अवस्था में पहुंच जाएगा, ये बात है। अगर ओवरलोड हो गई तो ओएलसी टिप प्लंजर को खींचकर नो वोल्ट कॉइल को क्या करेगा, स्टार्ट कर देगा, फिर भी ये डीमैग्नेटाइज होकर क्या होगा, हैंडल को छोड़ देगा और मेन सप्लाई कट जाएगी, मोटर क्या होगा, बंद हो जाएगा। तो यही हमारा वर्किंग प्रिंसिपल है। सबसे अच्छा डीसी स्टार्टर कौन अब तक दिख रहा है, फोर पॉइंट डीसी स्टार्टर। और बताया गया फोर पॉइंट डीसी स्टार्टर का प्रयोग कहाँ किया जाएगा, किस मोटर के लिए प्रयोग करेंगे, तो ये शंट और कंपाउंड मोटर के लिए यूज किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि भाई इसका यूज कहाँ किया जाएगा, तो इसका आप लिख लोगे कि भाई इसका जो यूज है किस मोटर के लिए किया जाएगा, शंट मोटर, शंट व कंपाउंड मोटर के लिए, शंट व कंपाउंड डीसी मोटर के लिए प्रयोग किया जाएगा, शंट व कंपाउंड डीसी मोटर हेतु ये प्रयोग किया जाता है। कौन, फोर पॉइंट। इसकी सबसे खास बात क्या है, इससे हम स्पीड कंट्रोल भी कर सकते हैं और थ्री पॉइंट से हम स्पीड कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, या किसका संशोधित रूप है, थ्री पॉइंट स्टार्टर का है। इतनी बातें आपको समझ में आ गई और डायग्राम आपको बताया गया है, अभी बताया गया, वैसे आप पिछला भी वीडियो देखे होंगे आपको समझ में आ गया हमको डायग्राम कैसे बनाना है। अब लास्ट स्टार्टर है जिसका नाम है टू पॉइंट डीसी स्टार्टर, तो चलिए हम पढ़ने जा रहे हैं टू पॉइंट डीसी स्टार्टर। तो टू पॉइंट डीसी स्टार्टर केवल यूज किया जाएगा वो आपका सीरीज मोटर के लिए, किसके लिए, सीरीज मोटर के लिए। तो टू पॉइंट डीसी स्टार्टर हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, तो देखिए तो टू पॉइंट मतलब इसमें केवल दो टर्मिनल रहेंगे, टू पॉइंट मतलब, टू पॉइंट स्टार्टर मतलब ये होगा इसमें केवल दो टर्मिनल होंगे। तो चलिए केवल दो टर्मिनल हम दिखा देते हैं, तो ये देखो दो टर्मिनल दिखा दिए, एक रहेगा आर्मेचर टर्मिनल और एक इसमें अकेले केवल रहेगा लाइन टर्मिनल, बस यही रहेगा। लाइन टर्मिनल जाएगा मेन सप्लाई से जुड़ जाएगा, और सीरीज मोटर भाई पहले आर्मेचर दिखा दो, तो पहले हमने क्या किया, ये आर्मेचर दिखा दिया, तो चलो आर्मेचर का भाई और बड़ा लिख दे जिससे आपको दिखाई दे, ये आर्मेचर हो गया, आर्मेचर का पॉजिटिव ब्रश, यहाँ नीचे दिखा दो निगेटिव ब्रश। तो आर्मेचर के सीरीज में क्या होती है, सीरीज फील्ड कॉइल होती है, तो सीरीज फील्ड कॉइल दिखा दीजिए, यह हो गया। और इसको ले जाके क्या करिए, आर्मेचर से इसे जोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद आप यहाँ पे मान लीजिए डीपीआईसी स्विच लगा है, मतलब डबल पोर का स्विच है। अब इसको ये पॉजिटिव टर्मिनल है, अब यहाँ क्या है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, क्या है, निगेटिव टर्मिनल, यहाँ पे डीसी सोर्स है, डीसीएस का मतलब डीसी सोर्स है। अब ये निगेटिव टर्मिनल ले जाके हम ऐसे निगेटिव से ऐसे जोड़ देंगे, तो पूरा सप्लाई वाला हमारा कनेक्शन कंप्लीट। अब ऊपर स्टार्टर कैसे जुड़ा है, तो आपको बताया गया है कि आर्मेचर को हम किससे जोड़ते हैं, वेरिएबल रेजिस्टेंस से। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ पहले दिखा दो, तो वेरिएबल रेजिस्टेंस चलिए दिखा देते हैं, मान लीजिए ऐसे दो दो करके एक यहाँ दिखा दो, एक अगला वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ निकाल लो,
फिर एक अगला वेरिएबल रेजिस्टेंस यहाँ दिखा। तो मान लो हमने तीन स्टड दिखाया, तो स्टड को कभी किसी किताब में ऐसे बॉक्स बना दिया है, तो चलिए बॉक्स ही बना के दिखा देते हैं। तो ये बॉक्स बन गया ऐसे, अब यहाँ पे क्या रहेगा, आप पोजीशन रहेगा। और मान लीजिए यहाँ हत्था दिखाना चाहते हैं तो एक क्या रहेगा, यहाँ पे आन पोजीशन रहेगा। तो मान लो हम यहाँ पे आन पोजीशन दिखाना चाहते हैं, यहाँ क्या दिखाना चाहते हैं, आप पोजीशन। तो यहाँ पे पहले हत्था बना लो, तो चलो हत्था बना लेते हैं। ये हत्था हमारा हो गया किसका, स्टार्टर का हैंडल हो गया। तो स्टार्टर का यहाँ पे हैंडल दिखा दो, ये हैंडल स्टार्टर का बन गया। अब यहाँ पे स्प्रिंग उल्टी लगी होती है, भी बताया जाएगा स्प्रिंग यहाँ नीचे क्यों लगी है। तो यहाँ पे ऐसे स्प्रिंग सेट करके दिखा दो, और प्लस यहाँ पे सपोर्टिंग रबड़ भी रहेगा जिससे नीचे न जाने पर, तो यहाँ पे सपोर्टिंग हम रबड़ दिखा, इसे हम कहेंगे रबड़ सपोर्ट रहेगा। क्या रहेगा, रबड़ सपोर्ट रहेगा। तो यहाँ पे रबड़ सपोर्ट दिखा दो। तो चलिए आप हमारे साथ देखते रहिए कैसे बन रहा है। तो ये तो हैंडल हो गया, तो हैंडल को हम यच से केवल दिखा रहे हैं। ये क्या है भाई, हैंडल है, चलो हैंडल दिखा दिए। ठीक, अब उसके बाद ये वेरिएबल रेजिस्टेंस है जिसको हम दिखा रहे हैं आर एस से। ये किसका बना होता है, मैग्नीन का बना होता है। ये पहला स्टड है, ये दूसरा स्टड है, ये तीसरा स्टड है, ये चौथा स्टड है। इसे हम कह रहे हैं स्टड, क्या कह रहा है, स्टड कह रहे हैं। ठीक है, ओके। तो चलिए पहले सप्लाई कहाँ जाएगी, हैंडल में जाएगी। तो पहले सप्लाई यहाँ से लाइन को ले लीजिए और कहाँ दे दीजिए, हैंडल में। हैंडल अब यहाँ पे आयरन का टुकड़ा भी रहेगा, अब इस आयरन टुकड़े को आकर्षित करके वहाँ आन पोजिशन पर रखने के लिए क्या चाहिए, एक कॉइल चाहिए। तो यहाँ पर एक कॉइल रखेंगे, जैसे वहाँ नो बोल्ट कॉइल था जैसा कि देख रहे हो, तो यहाँ नो बोल्ट कॉइल न करके हम यहाँ पर लेते हैं नो लोड रिलीज कॉइल लेते हैं। अभी बताएंगे क्यों ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, नो लोड रिलीज कॉइल लेंगे, इसमें टर्नों की संख्या कम रहेगी। तो चलिए हम दो टर्न केवल दिखा दे रहे हैं। तो पहले सप्लाई पहले स्टेप जाएगी, उसके बाद यहाँ से सप्लाई तुरंत लेके आओ। आप क्या काम करिए, ऐसे यहाँ जोड़ दीजिए इससे, और फिर यहाँ से सप्लाई लेके आइए, ले जाइए आप सीधे आर्मेचर से जोड़ दीजिए। तो यही जो हमारा कनेक्शन है वह सीरीज, मतलब सीरीज नहीं सॉरी भाई, ये डीसी टू पॉइंट डीसी स्टार्टर का कनेक्शन है। तो टू पॉइंट डीसी स्टार्टर का हमने कनेक्शन बना दिया है, टू पॉइंट डीसी स्टार्टर का हमने कनेक्शन बना दिया। तो यही है कनेक्शन, आपको भली बात समझ आ गया। इसमें स्प्रिंग यह है, स्प्रिंग को हम यहाँ लिख दे रहे हैं कि भाई ये क्या है, स्प्रिंग है। तो चलिए ये स्प्रिंग है, तो हैंडल में करंट जाएगा। तो पहले स्टेप पे ले जाएंगे तो पूरा रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, पूरा रेजिस्टेंस जुड़ेगा तो आर्मेचर में करंट कम जाएगी। और ये भाई ये क्या है, आर्मेचर है, इसे हम कह रहे हैं सीरीज फील्ड कह रहा है। ये क्या है, सीरीज फील्ड है। तो यहाँ पे टू पॉइंट में केवल लाइन टर्मिनल और ए टर्मिनल रहता है, आर्मेचर टर्मिनल रहता है। तो चलिए अभी कैसे काम करेगा उसको हम जान लेते हैं। अब ध्यान से देखो, इस कॉइल को हम कहते हैं नो लोड रिलीज कॉइल, NLC। NLC का मतलब है नो लोड रिलीज कॉइल, नो लोड रिलीज कॉइल कहा जाता है। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि भाई आपका एग्जाम है। तो चलिए यहाँ ध्यान दे देते हैं, अब इसको कैसे काम करता पहले ये जान ले, फिर लिखने के तरीके बाद में जानेंगे। तो हम क्या करेंगे, हैंडल को पहले ले जाएंगे पहले स्टड पे, तो पूरा रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा, आर्मेचर में करंट कम जाएगा और मोटर घूमना करेगा धीरे से। रेजिस्टेंस दूसरे स्टेट पे ले जाएंगे, रेजिस्टेंस घटेगा तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ेगी तो बाइक ईएमएफ भी बढ़ जाएगा और आर्मेचर करंट घटेगा। तो चलिए तीसरे पे ले जाएंगे तो और रेजिस्टेंस घटेगा, स्पीड और बढ़ेगी, बाइक ईएमएफ और जनरेटर। ऐसे हम क्या करेंगे, पूरा रेजिस्टेंस हटा देंगे, मोटर फुल स्पीड पर चलने लगेगी और आर्मेचर में करंट कम हो जाएगा जिससे सफलतापूर्वक मोटर चलने लगेगा। डीसी सीरीज मोटर की एक सबसे खतरनाक बात है, कल हमने आपको बताया था कि भाई डीसी जो सीरीज मोटर होती है अगर इसको नो लोड पे चलाया जाएगा तो इसकी स्पीड वेरी हाई हो जाती है जिससे शाफ्ट टूट सकता है या मोटर में टूट फूट आ सकता है। क्यों आता है, आपको यही बताया गया कि भाई आपने देखा कि EB स्वानुपाती होता है फाई यन के, तो यहाँ से यन निकाल लो तो यन स्वानुपाती हो जाएगा 1/ क्या हो जाएगा, मतलब सॉरी EB अपान क्या हो जाएगा, फाई। अगर EB कांस्टेंट मान रहा है तो मतलब जो स्पीड है 1/ क्या हो जाएगा, फाई होगा। अर्थात और डीसी मोटर में जो फ्लक्स होती है सीरीज फील्ड, वो स्वानुपाती होती है आर्मेचर करंट के।
अगर आर्मेचर नो लोड रहेगा तो आर्मेचर करंट क्या हो जाएगा, जीरो। आर्मेचर करंट जीरो होगा तो फ्लक्स क्या होगा, जीरो। और फ्लक्स जीरो होने का स्पीड यहाँ क्या दिख रही है, अनंत दिखेगी। और स्पीड अनंत होगी तो मोटर के शाफ्ट में या मशीन में टूट फूट आ जाएगा। तो इसलिए डीसी सीरीज मोटर को कभी भी हम नो लोड पर नहीं चलाएंगे। तो यहाँ पर देखो, नो लोड पर जैसे करोगे, नो लोड का मतलब करंट जीरो कर दोगे। अब जैसे करंट जीरो करोगे तो जो NLC है, नो लोड रिलीज कर, इसमें करंट कम आए, करंट अगर नहीं आ रहा है तो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और डीमैग्नेटाइज होकर हैंडल को क्या करेगा, छोड़ देगा। और जैसे हैंडल को छोड़ देगा, मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अर्थात 2 पॉइंट डीसी स्टार्टर से मोटर, सीरीज मोटर की नो लोड से प्रोटेक्शन बच जाता है। यही हमारा सबसे मेन काम है कि डीसी मोटर को नो लोड से बचाना है। अगर नो लोड पे आ गया तो मोटर की स्पीड वेरी हाई हो जाएगी और टूट फूट ला देगी। इसलिए 3 पॉइंट से भी हम डीसी सीरीज मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं, पिछले वीडियो में दिखा है। लेकिन उस पर खास बात यह थी, हमने इसलिए नहीं स्टार्ट कर पाए क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ कि भाई वह नो लोड पर कोई वहाँ पर सुरक्षा नहीं थी। अर्थात वहाँ नो वोल्ट क्वाइल था, लो वोल्टेज से सुरक्षा थी लेकिन नो लोड से कोई सुरक्षा नहीं थी। इसलिए 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर का प्रयोग हम सीरीज मोटर के साथ नहीं करते हैं। केवल कौन सा करते हैं, 2 पॉइंट डीसी स्टार्टर करते हैं, क्योंकि नो लोड पर या मैग्नेटाइज होकर नो लोड रिलीज क्वाइल, डीमैग्नेटाइज होकर वह हैंडल को छोड़ देगा और मोटर क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। अब बात आती है एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आएगा। तो एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आएगा कि भाई डीसी स्टार्टर होता क्या है और यह कितने प्रकार का है, किसी एक स्टार्टर का वर्णन करें। तो आप 2 पॉइंट 3 पॉइंट 4 पॉइंट बता देंगे टाइप है और किसी एक प्रकार का वर्णन करें, या फिर क्या करेगा, स्पेशल किसी एक के बारे में पूछ लेगा, कहेगा 3 पॉइंट स्टार्टर का कंस्ट्रक्शन बताओ, 2 पॉइंट स्टार्टर कंस्ट्रक्शन बताओ, 3 पॉइंट बताओ। तो ऐसे ही जो जो पॉइंट है बता दोगे, चित्र बना के क्या वर्णन है और जैसे काम कर रहा है उसको बता दोगे। तो ये आपका आज क्या हो गया, डीसी स्टार्टर कंप्लीट हो गया। आज ही हम शुरू करेंगे, एक नेक्स्ट चैप्टर है। चूँकि एग्जाम भाई आपका बहुत नज़दीक है तो आपका क्लासेस बीच बीच में किसी टेक्निकल इश्यू के कारण गड़बड़ हो जा रहा है, लेकिन आज हम ख़त्म कर देंगे। और ज़्यादा ज़्यादा आपका 15-20 मिनट का ये क्वेश्चन टॉपिक रहेगा जो कि एग्जाम सबसे ज़्यादा पूछता है। अगला हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल करेक्टरिस्टिक ऑफ डीसी मोटर, तो अर्थात डीसी मोटर का हम अभिलक्षण पढ़ेंगे कि वो डीसी मोटर कितने वोल्टेज के लिए या कितने करंट के लिए, अगर वोल्टेज करंट घटाया जाए, लोड बढ़ाया जाए तो उसकी स्पीड घटेगी बढ़ेगी, अगर लोड बढ़ाया जाए तो टार्क में क्या परिवर्तन होगा, तो यही चीज़ हमको जानना है। तो मोटर का हम देखेंगे कि स्पीड किस पर डिपेंड कर रहा है और टार्क किस पर डिपेंड कर रहा है और उसका ग्राफ क्या बनेगा उसकी के बारे में जानेंगे। और करेक्टरिस्टिक से ही हमको पता चल जाएगा कि कौन सा मोटर कहाँ हमको यूज करना है। जैसे आपको पता दिया जाए, सीरीज मोटर का टार्क बहुत हाई होता है, स्टार्टिंग टार्क वेरी हाई होता है, इसका हम लोड पर इस्तेमाल कर सकते हैं और ट्रैक्शन में, रेलवे संबंधी कार्यों में उपयोग करते हैं। जबकि संट मोटर के भी देखेंगे स्पीड कांस्टेंट होती है लगभग, जो कि नो लोड से फुल लोड तक कितना भी लोड में परिवर्तन किया जाए स्पीड में ज़्यादा बदलाव नहीं होता है। इसे हम कांस्टेंट स्पीड, जहाँ हमको कांस्टेंट स्पीड चाहिए वहाँ संट मोटर का प्रयोग करेंगे। और अभी आगे कंपाउंड मोटर है, कंपाउंड मोटर में जहाँ हमको हैवी लोड भी हो, गहरा कट लगाना हो या काटना हो, चीरना हो, तो वहाँ पर हम कंपाउंड मोटर का प्रयोग करेंगे। तो एक एक करके हम क्या करेंगे, देखेंगे। तो आइए देख लेते हैं, तो उसी को जानने के लिए हमको पढ़ना पड़ेगा करैक्टरिस्टिक्स ऑफ डीसी मोटर। तो चलिए, अगला चैप्टर का नाम है करैक्टरिस्टिक डीसी मोटर का विलक्षण। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने भाषा में आप लिख लीजिएगा। आपको समझा दिया गया और बताया गया सबसे अच्छा डीसी स्टार्टर कौन सा है, 4 पॉइंट डीसी स्टार्टर है जो केवल किसके लिए यूज किया जाएगा, बताया गया कि संट और कंपाउंड के लिए। और एक 3 पॉइंट डीसी स्टार्टर हो किसके लिए यूज किया जाता है, वो तो किसी किताब में लिखा है ऑल टाइप के लिए, लेकिन आप कंपटीशन में अगर आएगा तो बताओगे कल 2 के लिए, वो भी किसके लिए, संट और कंपाउंड के लिए, वो भी यूज किया जाएगा। और 2 पॉइंट स्टार्टर केवल यूज किया जाए किसके लिए, सीरीज मोटर के लिए, जैसा कि आपको यहाँ पे बना के दिखाया गया। और यहाँ पे ओवरलोड प्रोटेक्शन के लिए कोई सुरक्षा नहीं होती सीरीज मोटर में, क्योंकि बताया गया था भाई इसकी ओवरलोड कैपेसिटी क्या होती है, हाई होती है, इसलिए इसमें हमको ओवरलोड प्रोटेक्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती। क्योंकि भाई हम कुछ चीज़ें और चीज़ें डीपली नहीं बता पा रहे हैं, क्योंकि भाई टाइम कम है, सिलेबस भी कम्प्लीट कराना है, केवल आपको एग्जाम में कितना लिखना है वही चीज़ें बताई जा रही है। फिर भी जहाँ तक कोशिश है कि सब चीज़ बताने का प्रयास किया जा रहा है। तो अब हम पढ़ेंगे कि भाई करैक्टरिस्टिक्स ऑफ
डीसी मोटर, तो डीसी मोटर इससे क्वेश्चन जरूर आएगा भाई करेक्टरिस्टिक से। हिंदी में कहेंगे दिष्ट धारा, दिष्ट धारा मोटर का अभिलक्षण, दिष्ट धारा मोटर का अभिलक्षण पढ़ेंगे। तो दिष्ट धारा मोटर का क्या अभिलक्षण होता है आइए इसके बारे में हम जान लेते हैं। तो इसका तीन ही अभिलक्षण होता है, एक होता है स्पीड करैक्टरिस्टिक, पहला जो है करैक्टरिस्टिक इसे कहते हैं स्पीड करैक्टरिस्टिक, स्पीड करैक्टरिस्टिक, और दूसरा जो होता है उसे कहते हैं टार्क करैक्टरिस्टिक, क्या कहेंगे टार्क करैक्टरिस्टिक, और जो तीसरा करैक्टरिस्टिक है पूरा आप सब नाम लिखिएगा भाई, जो तीसरा करैक्टरिस्टिक है उसे कहा जाता है मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक, क्या कहेंगे मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक कहेंगे। तो यही इसके तीन प्रकार के करैक्टरिस्टिक है। स्पीड करैक्टरिस्टिक किसके बीच खींचा जाएगा, या मोटर की स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच खींचा जाएगा। टार्क करैक्टरिस्टिक किसके बीच खींचा जाएगा, मोटर के टार्क और इसके आर्मेचर करंट के बीच खींचा जाएगा। और मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक किसके बीच खींचा जाएगा, स्पीड व टार्क के बीच खींचा जाएगा। तो इस प्रकार हमको पता चल गया एग्जाम में आता है कि डीसी मोटर के करैक्टरिस्टिक कितने प्रकार के होते हैं। तो आप बताओगे तीन प्रकार के, कौन कौन, स्पीड करैक्टरिस्टिक, टार्क करैक्टरिस्टिक और मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक। स्पीड करैक्टरिस्टिक परिभाषा क्या बताओगे, कहोगे कि मोटर का वह कर्व जो किसके बीच खींचा जाता है, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच खींचा गया कर्व स्पीड करैक्टरिस्टिक कहलाता है। टार्क करैक्टरिस्टिक किसे कहते हैं, मोटर के टार्क और आर्मेचर करंट के बीच खींचा गया कर्व क्या कहलाएगा, टार्क करैक्टरिस्टिक कहलाता है। और मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक किसे कहेंगे, मोटर की स्पीड और टार्क के बीच जो खींचा जाएगा कर्व उसे मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक कहते हैं। इतना परिभाषा दे देंगे। मान लीजिए अब उसके बाद कहेगा कि भाई सभी डीसी मोटरों के स्पीड करैक्टरिस्टिक का वर्णन करें, या ग्राफ खींचिए, या सभी डीसी मोटरों के टार्क करैक्टरिस्टिक का वर्णन करें, या कह देगा सभी डीसी मोटरों के मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक का वर्णन करें। तो आइए तीनों को हम देख लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा तो देख लिया जाए। चलिए ठीक है, हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे स्पीड करैक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद जानेंगे टार्क करैक्टरिस्टिक, फिर उसके बाद जानेंगे हम मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक। हम थोड़ा प्रयास ये करना चाहेंगे कि तीनों करैक्टरिस्टिक एक साथ हम दिखाएंगे। तो एक साथ दिखाने के लिए पूरा बोर्ड दिख रहा है आपको, थोड़ा स्पष्ट करें, थोड़ा इधर देखिए, इधर यहाँ तक दिख रहा है कि नहीं, अगर यहाँ तक दिखेगा तो हम आपको बता दे रहे हैं। तो चलिए अगर यहाँ तक दिख रहा है तो चलिए हम बताते जा रहे हैं, तीनों करैक्टरिस्टिक एक साथ बताएंगे, जिससे आपको एग्जाम में लिखने में सुविधाजनक हो और आपको याद करने में भी सुविधाजनक हो। तो हमारे पास मुख्य रूप से तीन ही मोटर का हम प्रयोग करते हैं, शंट मोटर और सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर। कंपाउंड में दो मोटर हैं, एक कुमुलेटिव है और एक क्या है, एक डिफरेंशियल है। तो हम पूरे करैक्टरिस्टिक को यहाँ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो चलिए, तो हमको पता चल गया कि करैक्टरिस्टिक डीसी मोटर का तीन प्रकार है, स्पीड करैक्टरिस्टिक, टार्क करैक्टरिस्टिक और मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक। और सभी की परिभाषा पता हो गई कि स्पीड करैक्टरिस्टिक, स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच जो कर्व होगा स्पीड करैक्टरिस्टिक, टार्क और आर्मेचर करंट भी जो करैक्टरिस्टिक होगा उसे टार्क करैक्टरिस्टिक, और स्पीड और टार्क के बीच जो करैक्टरिस्टिक होगा उसे मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक कहेंगे। ये परिभाषा आप अपने से भाषा में लिख लेंगे। ओके, तो चलिए हम सभी तीनों मोटरों के स्पीड करैक्टरिस्टिक जानेंगे, और क्या जानेंगे टार्क करैक्टरिस्टिक जानेंगे, और क्या जानेंगे मैकेनिकल करैक्टरिस्टिक। और जैसे करैक्टरिस्टिक कंप्लीट होगा, मुश्किल से 10 मिनट में सभी करैक्टरिस्टिक कंप्लीट हो जाएंगे। आपका हम ज़्यादा टाइम नहीं लेना चाहेंगे। तो ये सभी करैक्टरिस्टिक एक साथ हम आपको क्या कर रहे हैं, दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहले हम जान लेते हैं भाई स्पीड करैक्टरिस्टिक। तो तीनों का हम कॉलम बना दे रहे हैं। तो चलिए हम पहला लिखेंगे स्पीड करैक्टरिस्टिक, पहला हम पढ़ेंगे स्पीड करैक्टरिस्टिक, स्पीड करैक्टरिस्टिक, चले यहाँ पे स्पीड करैक्टरिस्टिक या गति अभिलक्षण कहेंगे। दूसरा हम जानेंगे, चलिए दूसरा वहाँ बताएंगे, पहले हम स्पीड की बात करें। तो हमारे पास तीन मोटर है, शंट सीरीज और कंपाउंड, तीनों के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि भाई अगर करैक्टरिस्टिक या ग्राफ खींचना होता तो दो राशियाँ चाहिए। तो दो राशियाँ आपका क्या है स्पीड करैक्टरिस्टिक के लिए, बताया गया भाई कि इसमें स्पीड पता हो और आर्मेचर करंट पता हो। तो अर्थात स्पीड और आर्मेचर करंट में रिलेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए रिलेशन। तो ध्यान से सुनो, चूँकि आपको पता है, चूँकि पता है कि बैक EMF EB बराबर होता है फाइव पी एन जेड अपान 60A होता है, यही होता है। या डायरेक्ट आपको जो फार्मूला बताया वो लिख सकते हैं, P कांस्टेंट, Z कांस्टेंट, 60A कांस्टेंट। तो या हम लिख सकते हैं कि
कि भाई ई बी समान बराबर उसकी जगह हम क्या कहेंगे भाई नियतांक क्या है, के बराबर हो गया पी जेड और 60A को नियतांक मान लेंगे, क्या क्यों बदलेंगे नहीं, तो बच रहा है फाइ और एन बच रहा है, तो हम कह सकते हैं ई बी बराबर के फाइ एन इसी जगह क्या के लिख दें और यहाँ पे के लिख दिए और क्या बचा है फाइ एन, तो यहीं पर हम एन निकाल लें तो एन बराबर क्या हो जाएगा, तो लिखेंगे चूंकि अब इतना चीज आप जानते हैं तो इसलिए हम ज़्यादा लेंदी नहीं जाएंगे, डायरेक्ट यही हम फार्मूला लिख रहे हैं, लिख दें ठीक है ओके इतना तो आ गया, तो यही फार्मूला हम लिखेंगे क्योंकि भाई एग्जाम में ज़्यादा वर्णन करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो चलिए डायरेक्ट हम फार्मूला लिख दे रहे हैं। तो चूंकि आप बताओगे कि भाई ई बी बराबर क्या होता है के फाई एन होता है, तो इसलिए एन बताओ क्या हो जाएगा एन बराबर, तो ये हो जाएगा ई बी अपान के फाई हो जाएगा, ये बातें हो गई। अब चलिए चूंकि यह भी पता है कि भाई मोटर जो सप्लाई वोल्टेज देते हैं वह भी बराबर होता है ई बी प्लस आई ए इंटू आर ए के, संट मोटर में, किसमें संट मोटर में, तो चलिए तो यहाँ पे हम संट मोटर का ग्राफ ही बना दे रहे हैं, कर्व ही छोटा सा बना दे रहे हैं समझने के लिए, ये आर्मेचर हो गया पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल, तो संट फील्ड वाइंडिंग क्या हो जाएगी इसके समांतर में जुड़ी रहेगी, तो इसके समांतर में ऐसे जोड़ के दिखा दें, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, सप्लाई वोल्टेज क्या है वी है, तो वी दे दिए, और यहाँ पे बाइक एम एफ विपरीत दिशा में होता है, एक करंट आ रही है आर्मेचर में, जो करंट जाएगी वो क्या होगी आई ए, और फील्ड में जो करंट जाएगी वो क्या हो जाएगी आई एस एच, और फील्ड का जो वोल्टेज है उसे हम दिखाएंगे वी एस एच, यही होता है, और इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या है आर एस एच है, ये बातें क्लियर हो गई। तो चलिए यहाँ पर हम बातें करने जा रहे हैं कि जो सप्लाई वोल्टेज देंगे तो क्या हो जाएगा बाइक एम एफ प्लस आर्मेचर का रेजिस्टेंस जो है आई आर ए के योग के बराबर होता है, तो यही बता दे रहे हैं कि भाई आपको पता है कि चूंकि भी बराबर होता है ई बी क्या होता है भाई, चूंकि भी बराबर होता है ई बी प्लस क्या होता है आगे आप जाने हैं पिछले लेक्चर में आई ए इंटू आर ए के योग के क्या होता है बराबर होता है, ये बातें क्लियर। अब यहाँ से भी पछातर कर ले, तो इसलिए हम क्या करेंगे चूंकि ई बी यहीं से निकाल लो तो ई बी बराबर क्या हो जाएगा, बड़ा लिखें आपको दिखे, तो यहाँ पे लिखेंगे ई बी बराबर जो दिखाया जा रहा है यहीं 75 कर लो वी माइनस आई ए इंटू आर ए हो जाएगा, वी माइनस आई ए इंटू आर ए। अब बताओ अगर सप्लाई वोल्टेज हम स्थिर कर दें, यहाँ जो वोल्टेज दे रहा है वी बराबर ये चूँकि स्थिर होता है, जितना जैसे 230 वोल्ट दिए तो क्या रहेगा 230 वोल्ट ही रहेगा बदलेगा नहीं, तो 230 वोल्ट मतलब वोल्टेज स्थिर है। अब आर्मेचर का जो रेजिस्टेंस है तो वो भी क्या रहेगा स्थिर ही रहेगा, आर्मेचर का रेजिस्टेंस क्या चलने लगेगा बदल जाएगा नहीं बदलेगा, वो भी स्थिर रहेगा बहुत कम है, और तो अर्थात आर्मेचर करंट भी यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जो ई बी बराबर भी स्थिर है, क्या स्थिर है भी स्थिर है, आर्मेचर रेजिस्टेंस भी स्थिर है, और जब रेजिस्टेंस स्थिर होगा तो उस पर करंट भी क्या होगी स्थिर ही होगी। अब करंट भी अगर स्थिर है, चूंकि हमको खींचना है ग्राफ किसके बीच, सॉरी भाई ग्राफ हमको किसके बीच खींचना है, हमको खींचना है आर्मेचर करंट और स्पीड के बीच खींचना है, तो चूंकि आर्मेचर करंट को स्थिर हमको नहीं करना है, केवल यहाँ पर हम देखना ये चाहेंगे कि भाई यहाँ पर जो वी एच एच है संट फील्ड का जो करंट है क्या है संट फील्ड जो करंट है उसको देखना चाहेंगे, तो चले देखने के लिए हम प्रयास करते हैं क्योंकि पूरा चीज यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे, चलो देख लेते हैं आर्मेचर रेजिस्टेंस स्थिर है तो भी क्या हो जाएगा आर्मेचर करंट केवल बदलेगा तो उसको बाद में छोड़ दीजिए, सप्लाई वोल्टेज भी क्या है स्थिर है तो भी स्थिर रहेगा। अब थोड़ा हम बात कर लें कि जो इस चलो अच्छा यहाँ स्थिर कर दो, अर्थात हम कह सकते हैं भी स्थिर है रेजिस्टेंस स्थिर है, तो ई बी भी क्या हो जाएगा यहाँ कहेंगे चूंकि भी व आर ए क्या है स्थिर है, या चूंकि हाँ एक बात और जान लो स्थिर की बात छोड़ो, तो आप कर लो कि चूंकि भी बराबर क्या हो जाएगा स्थिर है, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज और आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, तो आर्मेचर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो ये ड्रॉप का मान क्या होगा बहुत कम होगा, और ये लिख लोगे कि आई ए इंटू आर ए का मान क्या हो जाएगा नगड़ हो जाएगा, ड्रॉप का मान क्या होता है नगड़, तो पूरा मतलब कुल मिला के क्या हो जाएगा ई बी, तो हम कहेंगे इसलिए ई बी क्या हो जाएगा स्थिर, ई बी स्थिर हो जाएगा। अब ई बी स्थिर हो गया तो अर्थात स्पीड केवल किस पे डिपेंड करेगा फ्लक्स पे, तो हम यहाँ कह सकते हैं तो इसलिए हमारा जो स्पीड है वह समानुपाती हो जाएगा वन अपान केवल फाई के, बस यही बात होगी, तो वन अपान फाई मतलब फ्लक्स मान जितना ज़्यादा बढ़ेगा स्पीड उतना ज़्यादा क्या हो जाएगा घटेगा। तो अब देख लो अब यहाँ फ्लक्स किस पर निर्भर करेगा संट करंट पर, तो यहाँ कह देंगे कि चूंकि जो फ्लक्स है वो समानुपाती है आई एस एच के, करंट जितना ज़्यादा होगा और आई एस एच बराबर क्या हो जाएगा देख लो
आई एस एच बराबर वी एस एच अपान आर एस एच, क्या हो जाएगा वी एस एच अपान आर एस एच हो जाएगा। चलो यही लिख दे रहे हैं जिससे आपको सुविधाजनक हो, चूंकि आपको पता है कि फाई समानुपाती है आई एस एच के, आई एस एच समानुपाती क्या हो जाएगा बराबर होगा वी एस एच शंट फील्ड वोल्टेज और शंट फील्ड रेजिस्टेंस के अनुपात के, तो शंट फील्ड वोल्टेज वी एस एच अपान रेजिस्टेंस क्या है आर एस एच। अब चूंकि शंट फील्ड वोल्टेज किसके बराबर है सप्लाई वोल्टेज के, तो यहाँ हम ये लिख सकते हैं कि वी एस एच की जगह क्या लिख सकते हैं वी लिख सकते हैं और आर एस एच लिख दें। अब शंट फील्ड का रेजिस्टेंस नहीं बदलेगा और न तो सप्लाई वोल्टेज बदलेगा, अर्थात ये भी क्या हो जाएगा स्थिर हो जाएगा। जो चीज़ नहीं बदलता है वो क्या हो जाता है स्थिर हो जाता है, अर्थात फ्लक्स भी क्या हो गया स्थिर। अगर फ्लक्स स्थिर हो गया तो अतः हम कह सकते हैं कि स्पीड भी क्या होगा स्थिर होगा, अर्थात डीसी जो शंट मोटर है, तो यहाँ पर हम स्पीड कैरेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक में हम पढ़ना चाहते हैं मेन फार्मूला। पहले हमने आपको बताया कि मेन फार्मूला आपका ये बनेगा, अब हम पढ़ने जा रहे हैं यहाँ से स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका शंट मोटर। तो पहले शंट मोटर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, फिर उसके बाद सीरीज का देखेंगे, फिर उसके बाद क्या करेंगे कंपाउंड का देखेंगे। तो अब कंपाउंड में दो है क्यूमुलेटिव और एक क्या है डिफरेंशियल, तो हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं स्पीड कैरेक्टरिस्टिक, और स्पीड कैरेक्टरिस्टिक के लिए अभी हमने किसका देखा शंट का, तो शंट का हमने यहाँ चित्र बनाया, तो यहाँ पर लिख देंगे भाई ये क्या है शंट मोटर है, ये क्या है शंट मोटर है। तो शंट मोटर का हमने डायग्राम बनाया सर्किट डायग्राम, अब इसका बनाना है हमको कैरेक्टरिस्टिक। तो चलो देख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक कैसे बनेगा, तो यहाँ शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक देखने जा रहे हैं। तो पहले हम क्या करेंगे वाई एक्सिस खींच लेंगे और एक्स एक्सिस खींच लेंगे, तो चले तो यहाँ पे वाई एक्सिस पे हम दिखा दे रहे हैं स्पीड और एक्स एक्सिस पे हम दिखा देंगे क्या आर्मेचर करंट। तो यहाँ पर आर्मेचर करंट अगर जीरो होगा, चाहे आर्मेचर करंट जीरो हो चाहे जो कुछ भी हो, इसकी स्पीड क्या दिखाया गया किसी पर निर्भर नहीं कर स्थिर है, और जो चीज़ स्थिर होगा तो मतलब क्या हो जाएगा स्पीड समान अवस्था में ऐसे बना रहेगा। तो यही हो गया शंट करेक्टर, और ओवरलोड होने पे इसकी स्पीड थोड़ी सी कम हो जाती है, इसी को हम कहेंगे शंट करेक्टरिस्टिक है। जिसका स्पीड लगभग कांस्टेंट रहेगा उसे हम कहेंगे शंट करेक्टरिस्टिक, और शंट करेक्टरिस्टिक किसका होता है शंट मोटर का। ये हमने शंट मोटर का करेक्टरिस्टिक खींचा, तो चले तो यहाँ पर हमने क्या किया संट करेक्टरिस्टिक खींच लिया, तो ये संट करेक्टरिस्टिक लगभग क्या है कांस्टेंट है क्योंकि इसकी स्पीड कांस्टेंट है, तो ये हो गया यहाँ पे संट करेक्टरिस्टिक। अब अगला हमको जानना है सीरीज मोटर का, तो हमने संट का खींचा अब सीरीज मोटर, सीरीज मोटर में देख लो थोड़ा, तो यहाँ पे आप हेडिंग डाल लीजिएगा पहला हम करने जा रहे हैं किसके बारे में। तो पहला हम यहाँ पे लिख रहे हैं कि भाई मेन फार्मूला ये बन के आया, अब पहला हम खींचने जा रहे हैं किसके लिए, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि संट मोटर का स्पीड करेक्टरिस्टिक किसका खींचे हो संट मोटर का। पहला हमने संट मोटर खींचा, अब खींचना है सीरीज का कंपाउंड का। तो चलो दूसरा देखते हैं हम किसके लिए सीरीज मोटर का, तो दूसरा हम बात करेंगे सीरीज मोटर का, वो अभी कौन सा करेक्टरिस्टिक केवल केवल स्पीड करेक्टरिस्टिक खींच रहे हैं संट का खींचे अब सीरीज का खींचना है। तो सीरीज के लिए पहले फार्मूला देख लें, तो चूंकि आपको पता है सीरीज का फार्मूला जानने से पहले उसका सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा समझने के लिए, तो जल्दी से हम क्या करते हैं सर्किट डायग्राम सीरीज का बना लेते हैं। तो प्लस टर्मिनल है माइनस टर्मिनल ये आर्मेचर हो गया, तो सीरीज में क्या होता है भाई फील्ड वाइंडिंग सीरीज में रहती है, तो सीरीज में ऐसे जोड़ दो और यहाँ पे जोड़ दो और यहाँ पे दे दो सप्लाई वोल्टेज, और सप्लाई वोल्टेज क्या है वी है, और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस क्या है आर एस आई, उसमें जो करंट जाएगी क्या हो जाएगी आई एस आई, और आर्मेचर करंट क्या होगा आई ए होगा। सप्लाई करंट और सीरीज फील्ड करंट यहाँ तीनों आपस में क्या होंगे सप्लाई करंट आई है और सीरीज फील्ड करंट क्या होगा आई एस आई होगा, और आर्मेचर करंट तीनों बराबर होते हैं बाय के में विरोध करता है ये दिखा दिए। तो चलिए वही समीकरण लिखेंगे, यही फार्मूला लागू करेंगे स्पीड के लिए, हमारा यही फार्मूला है। तो स्पीड के लिए फार्मूला क्या है, चूंकि कहोगे कि एन समानुपाती वन अपान क्या होता है फाई, और यहाँ फ्लक्स किसके कारण होगा सीरीज करंट का कारण, तो यहाँ कह देंगे कि चूंकि भाई फाई समानुपाती क्या होता है आई एस आई, तो यहाँ पे आई एस आई, और आई एस आई किसके बराबर है आर्मेचर करंट के, तो यहाँ बराबर क्या कर दोगे आर्मेचर करंट, तो जहाँ पे फाई है तो उसकी जगह आई ए लिख सकते हैं, तो इसलिए लिख सकते हैं यह समानुपाती फाई जगह क्या हो जाएगा आई ए, अर्थात हमारा यहाँ ग्राफ बन गया। अब ग्राफ ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगी मतलब लोड बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ने का मतलब लोड है, तो यहाँ हम इसको लोड भी कह सकते हैं कि जैसे जैसे आर्मेचर करंट बढ़ेगा स्पीड क्या होगी घटेगी, अगर आर्मेचर करंट जीरो होगा तो स्पीड क्या होगी हाई मतलब अनंत होगी, और अनंत कहीं दिखता नहीं है तो अनंत जो नहीं दिखेगा इसको ऊपर से लाएंगे। और उसका कारण है कि जैसे जैसे लोड बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे हम क्या कर रहे हैं कि लोड बढ़ाओगे तो आर्मेचर करंट क्या होगा लोड बढ़ाने पर आर्मेचर करंट बढ़ती है, आर्मेचर करंट अगर बढ़ेगी तो स्पीड क्या हो रही है यहाँ पे स्पीड दिख रही है घट रही है, यहाँ स्पीड क्या हो रही है दिख रही है फार्मूले के आधार पे, तो यहाँ हम कह देंगे
कि अतः लोड बढ़ाने पे आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। एक बात क्लियर? तो भाई और जबकि नो लोड रहेगा, जीरो रहेगा तो स्पीड अनंत होगी, तो अनंत स्पीड ऊपर से दिखाएंगे, जीरो रहता तो नीचे से ले जाते हैं, लेकिन क्या है ये अनंत स्पीड है, तनंत को ऊपर किसी टच मत कराओ, ऐसे लेके आओ, जैसे जैसे लोड बढ़ाओगे स्पीड घटती चली जाएगी। तो ऐसे इसे हम कहेंगे सीरीज कैरेक्टरिस्टिक। क्या नाम देंगे भाई? सीरीज कैरेक्टर। ये सीरीज मोटर का कैरेक्टरिस्टिक बन गया। अब अगला हमको कैरेक्टरिस्टिक किसका जानना है? कंपाउंड का। तो चलिए अगला हम कंपाउंड का जान लेते हैं। तो कंपाउंड के लिए क्या है, तीसरा हमको जानना है कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक। तो कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं। और कंपाउंड में दो है, एक डिफरेंशियल है और एक क्या है, कुमुलेटिव है। तो पहले हम जानेंगे किसका, कुमुलेटिव का जान लेते हैं। चलो पहले हम डिफरेंशियल का ही जान लेते हैं। तो हम डिफरेंशियल कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक जानेंगे। क्या जानेंगे? डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर। तो डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर का कैरेक्टरिस्टिक आइए देख लेते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे डिफरेंशियल कंपाउंड, कंपाउंड डीसी मोटर। तो कंपाउंड डीसी मोटर डिफरेंशियल का देख लो। तो डिफरेंशियल का देख लेते हैं। तो डिफरेंशियल के लिए चूंकि पता है कि स्पीड का फॉर्मूला क्या आता है, वन समर पाती फाइव होता है। और आपको पता है कि चूंकि डिफरेंशियल में जो फाइव होता है वो फ्लक्स घटता है, तो मतलब संट फील्ड फाई एस एच अंतर क्या हो जाएगा, अंतर जो बड़ा है उसे फाई एस आई होता है। तो फाई एस आई, तो अर्थात जहाँ फाई है उसकी जगह क्या लिखेंगे, फाई एस एच माइनस फाई एस आई। तो यहाँ पर लिखेंगे इसलिए स्पीड समानुपाती वन अपान क्या हो जाएगा, फाई एस एच माइनस क्या हो जाएगा, फाई एस आई। अब देखो फाई एस आई सीरीज फील्ड करंट के समानुपाती होगी, और सीरीज फील्ड करंट लगभग आर्मेचर करंट के क्या होती है, बराबर होती है। तो यहाँ हम लिख देंगे कि भाई फाई एस एच नहीं, फाई एस आई की बात करो, के लिए की बात करो, अगला तो अपने आप हो जाएगा। क्योंकि फाई एस आई समानुपाती होती है आई एस आई के, आई एस आई लगभग बराबर क्या होता है, आर्मेचर करंट के। चलो यहाँ लिख देते हैं, इसलिए हम लिखेंगे यन समानुपाती वन अपान क्या हो जाएगा, फाई एस एच माइनस क्या हो जाएगा, आई ए हो जाएगा। और आपको पता है कि भाई अब देखो यहाँ पे, अब जैसे जैसे आर्मेचर करंट क्या होगा, बढ़ेगा, तो इसका अंतर क्या होगा, घटेगा। अंतर घटेगा तो स्पीड क्या होगी, बढ़ेगी। अर्थात डिफरेंशियल कंपाउंड मोटर से पता चल रहा है कि यदि हम लोड बढ़ाएं, क्या बढ़ाएं, यदि हम लोड बढ़ाएंगे तो आर्मेचर करंट बढ़ेगा। आर्मेचर करंट बढ़ेगा तो आपको पता है कि फाई एस एच माइनस आई ए का अंतर घटेगा। अगर ये घटेगा, हर घटेगा, तो अंश अपने आप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अर्थात यहाँ स्पीड क्या हो जाएगी भाई, बढ़ जाएगी। तो स्पीड इसमें बढ़ रही है, डिफरेंशियल मोटर में जितना ज़्यादा लोड बढ़ाओगे उसकी स्पीड क्या होगी, उतनी ज़्यादा बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि यहाँ ये घट रहा है। अब घटेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यहाँ पे ये दिख रहा है लोड बढ़ाएंगे आर्मेचर करंट बढ़ेगा, करंट बढ़ेगा तो ये अंतर घटेगा, अंतर घटेगा तो स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसलिए इसका हम ग्राफ ऐसे दिखाएंगे। तो अर्थात पहले बात तो भाई, अगर कोई लोड नहीं है, ध्यान से सुन लो, अगर कोई लोड नहीं है, ये जीरो है, तो फाई एस एच रहेगा। अगर फाई एस एच रहेगा तो क्या स्पीड को जीरो अनंत होने देगा, नहीं, उसका मान होगा, उसका मान होगा तो स्पीड कुछ न कुछ रहेगा। तो स्पीड कुछ न कुछ है तो मतलब यहीं हम दिखा दे रहे हैं स्पीड कुछ न कुछ है। फिर उसके बाद क्या करेंगे, जैसे जैसे लोड बढ़ाएंगे तो घटता जाएगा, और ये अंतर घटेगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो स्पीड बढ़ेगी तो मतलब ऐसे बढ़ता हुआ हम दिखा देंगे। तो इसके क्या हो जाएगा, ये कैरेक्टरिस्टिक हो गया किसका, डिफरेंशियल का। तो इसे हम कहेंगे भाई ये डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है। और प्लस जितना संड का होता है उतना ही लगभग इसका भी होता है, तो वहीं से हम ग्राफ खींच देंगे। इसे हम कहेंगे डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक। क्या कहेंगे भाई, डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक कहेंगे। तो यहाँ पर हम लिख दिए ये डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो चलिए अगला हमारा बचा है चौथा, कुमुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो कुमुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। तो चौथा है हमारा कुमुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक। तो चलिए कुमुलेटिव कैरेक्टरिस्टिक देख देते हैं। कुमुलेटिव कंपाउंड कैरेक्टरिस्टिक, कंपाउंड डीसी मोटर। तो कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी का मोटर का देख लो। तो कुमुलेटिव कंपाउंड डीसी मोटर का हमको कैरेक्टरिस्टिक जानना है। तो आइए देख लेते हैं कुमुलेटिव कंपाउंड कैसे करेक्ट है। अब चूंकि स्पीड का फॉर्मूला वही रहेगा, क्या होता है भाई, यन समानुपाती वन अपान फाई के होता है। अब आपको पता है कि चूंकि भाई जो आपका कुमुलेटिव होता है, तो कुमुलेटिव में जो फाई होता है दोनों फ्लक्स जुड़ते हैं, दोनों फ्लक्स संट और सीरीज का फ्लक्स जुड़ जाता है। तो संट और सीरीज का जो फ्लक्स जुड़ जाएगा तो हम यहाँ लिखेंगे फाई एस एच प्लस क्या आ जाएगा, फाई एस आई। डिफरेंशियल में घटाते हैं, यहाँ जुड़ेगा, तो चलो यहाँ रख देते हैं। तीसरे हम लिख सकते हैं यन समानुपाती वन अपन क्या हो जाएगा, फाई एस एच प्लस क्या हो जाएगा, फाई एस आई। यहाँ दोनों फ्लक्स जुड़ रहे हैं। अब आपको बताया गया कि चूंकि जो फाई एस आई है
वो समानुपाती है आईएसआई के, आईएसआई लगभग बराबर होता है आईए के, तो आप क्या कर सकते हो, जहाँ आईएसआई आईए रख दो, क्योंकि उसी में ग्राफ खींचना है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं एन वन अपन यहाँ क्या रहेगा फाईएसएच और प्लस फाईएसआई की जगह क्या रखेंगे आईए रख देंगे। तो अब देखो, तो चलो अब क्या करें, यहाँ आपको दिख रहा है, बताइए आपको दिख रहा, अगर दिख रहा तो हम ये लिख रहे हैं, तो चलो यही लिख दे रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा ग्राफ ये बन गया, तो यहाँ लिखेंगे चूंकि जब लोड बढ़ाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, अगर लोड बढ़ाएं तो क्या होगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा, आर्मेचर करंट बढ़ेगा तब क्या होगा, दोनों का योग बढ़ेगा। अब दोनों का योग बढ़ेगा तब क्या होगा, अब भाई दोनों का योग अगर बढ़ गया तो इसका मतलब हर बढ़ गया, अगर ज़्यादा हर घर का भाग देंगे तो क्या आएगा, कम आएगा, कम आने का मतलब स्पीड घट जाएगी, तो अर्थात यहाँ लिख देंगे स्पीड क्या हो गई, घट गई। तो हमको ये पता चल गया, अर्थात जो कुमुलेटिव मोटर कंपाउंड मोटर होता है, लोड बढ़ाने पे उसकी स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो चलिए उसकी स्पीड घटता हुआ देख लें, तो अर्थात इसकी स्पीड हम यहीं से क्या करेंगे, ऐसे घटता हुआ दिखा देंगे। तो चलिए कुमुलेटिव का घटता हुआ यहाँ दिखा दीजिए, तो आप हमको पता चल गया कि किसका होगा, कुमुलेटिव का, तो कुमुलेटिव करेक्टरिस्टिक से कहेंगे इसे, क्या कहेंगे, कुमुलेटिव करेक्टरिस्टिक कहेंगे। चलो सही से लिख दे रहे हैं जिससे आपको स्पष्ट रूप से दिखे, क्योंकि भाई मार्कर है ज़्यादा डार्क दिखने लगता है। तो चलो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसे कुमुलेटिव करेक्टरिस्टिक, क्या कहेंगे, कुमुलेटिव करेक्टरिस्टिक। तो हमको पता चल गया कि कुमुलेटिव करेक्टरिस्टिक तो तीनों मोटरों का, तीनों मोटर अर्थात शंट सीरीज कंपाउंड, कंपाउंड में दो मोटर है, सभी का हमने यहाँ केवल क्या जाना, स्पीड करेक्टरिस्टिक, क्या जाना, स्पीड करेक्टरिस्टिक यहाँ खींचा सभी मोटर का। अगर एग्जाम में आ गया कि भाई स्पीड करेक्टरिस्टिक सभी मोटर का बताइए, तो आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम लिखेंगे स्पीड करेक्टरिस्टिक, उसकी परिभाषा लिखेंगे, परिभाषा क्या लिखेंगे, कहेंगे कि मोटर की स्पीड और आर्मेचर करंट के बीच जो कर्व खींचा जाता है उसे हम स्पीड करेक्टरिस्टिक कहते हैं, ये हो जाएगा। फिर स्पीड का कैसे फार्मूला होता है, तो फार्मूला यहाँ तक ये दिखा देंगे, ये फार्मूला आप क्या करेंगे, यहाँ तक चूँकि भाई चलो यहाँ हमने ये लिखा गलत, तो फार्मूला आप यहाँ दिखा देंगे कि स्पीड का फार्मूला ये आ जाएगा। जब ये स्पीड का फार्मूला आ गया तो आपको पहले लिखना है किसके लिए, चलो पहले लिखना है संट के लिए, तो यहीं से पाला ही हम संट का स्टार्ट कर दे रहे हैं, तो आप यहाँ पाला जान लीजिएगा कि पाला हम संट मोटर का करेक्टरिस्टिक खींचना चाहते हैं, किसके लिए, संट मोटर का, तो संट मोटर के लिए फिर उसमें ये फार्मूला लिख दो, फिर उसी के आगे सीरीज वाले का फिर करेक्टरिस्टिक संट यहाँ लिख के बना के, फिर उसके बाद फार्मूला लिखने के बाद फिर सीरीज का ऐसे बना दो फार्मूला, फिर डिफरेंशियल फिर कुमुलेटिव का बना के सभी का ग्राफ एक साथ एक एक करके आप क्या करेंगे बता देंगे। अगर आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है ये चूंकि अपलोडेड वीडियो है, तो लाइव सेशन में हम कल फिर से मिलेंगे, तो कल मिलेंगे, कल हम जानेंगे कौन सा करेक्टरिस्टिक, हम जानेंगे तार करेक्टरिस्टिक और मैकेनिकल करेक्टरिस्टिक, और कल ही हम शुरू कर देंगे स्पीड कंट्रोल भी। तो चलिए कल लगभग आपका डीसी मोटर कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे ट्रांसफार्मर, क्या पढ़ेंगे, ट्रांसफार्मर, और ट्रांसफार्मर तीन दिन के टॉपिक में हम पूरा ट्रांसफार्मर कंप्लीट करा देंगे, तो आपका मशीन कंप्लीट हो जाएगा। फिर लास्ट दिन में हम क्या करेंगे, मतलब लास्ट दो दिन में जितना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है मशीन से जो आएंगे उनके बारे में बताएंगे, और प्लस कुछ नया टॉपिक भी आप में जुड़ा है उस नए टॉपिक को भी बता दिया जाएगा। तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।